और इन दिनों सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ ही सोशल मीडिया क्राइम्स भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए कुछ वीडियो क्राइम ब्रांच के निशाने पर आ गए हैं। वीडियोज़ में फायरिंग की जा रही है और अवैध हथियारों के माध्यम से खुलेआम प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई वीडियोज़ में अभद्र भाषा और कमेंट का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसके चलते क्राइम ब्रांच सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियोज़ की जाँच में जुट गई है। वहीं एडिशनल SP क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया का कहना है कि क्राइम ब्रांच इस मामले की बारीकी से जाँच कर रही है। सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं और जिसमें प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा भी ये वीडियो हमें प्रोवाइड कराए गए हैं और कई जगह से ही और सोर्स से ही मिले हैं। तो उसमें कुछ वेपन्स चलाते हुए कुछ लड़के दिख रहे हैं और कुछ गलत कमेंट्स भी लिखे हुए हैं उसमें। तो इन सब के लिए इसमें संज्ञान में ले लिया गया है और इस पूरे मैटर में क्राइम ब्रांच कार्रवाई कर रही है। जल्दी उन लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।